ये कहानी टॉम हैरिस नाम के एक अमेरिकन एजेंट की है जो CIA के लिए काम करता है। एक दिन जब ईरान में उसका राज खुल जाता है तो ISI के लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब कैसे टॉम इन सभी आतंकवादियों से बचते हुए वापस अपने देश लौट पाता है, जानेंगे इस कहानी में। मूवी की शुरुआत में अमेरिकन जासूस टॉम और उसके साथी ओलिवर को दिखाया जाता है, जिन्हें न्यूक्लियर प्लांट के पास एक मिशन पर भेजा गया है। ये लोग इंटरनेट ठीक करने के बहाने नकली इंजीनियर बनकर वहां जाते हैं और टॉम न्यूक्लियर प्लांट में जा रही वायर को कट करके एक खास तरह की डिवाइस वहां फिट कर देता है, जिसके इंस्टॉल होने से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का सारा एक्सेस अमेरिका को मिल जाता है। तभी एक सोल्जर को टॉम पर शक हो जाता है, जिसके बाद टॉम अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और फुटबॉल मैच प्ले करके कहता है कि देखो अब इंटरनेट पहले से ठीक काम करने लगा है, जिसके बाद ये दोनों अपना काम खत्म करके वहां से आ जाते हैं। उसी समय लूना नाम की एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका दोस्त जो CIA के लिए काम करता है वह उसे न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी कुछ तस्वीरें भेजता है। जब लूना इसके बारे में अपने बॉस से बात करती है तो उसकी कॉल ईरानी गवर्नमेंट द्वारा टैप कर ली जाती है। वहीं टॉम घर पहुंचकर अपनी वाइफ से बात करता है, जिसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी क्योंकि उसे अपने काम के सिलसिले में अक्सर देश विदेश जाना पड़ता था। उसी समय मोहम्मद नाम का एक शख्स US से ईरान आता है। उसके सभी डॉक्यूमेंट्स नकली थे, लेकिन रोमन नाम के शख्स ने सारा इंतजाम पहले से ही करके रखा था। एयरपोर्ट के बाहर रोमन के लोग उसे लेने आते हैं। तभी रोमन फोन करके मोहम्मद से कहता है कि अगले 2 दिन में तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा, जिसके साथ रहकर तुम्हें ट्रांसलेटर का काम करना है, लेकिन वह उसे पूरा सच नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ जमीन के अंदर बने उस ईरानी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है, जिसका पूरा कंट्रोल अब अमेरिका के पास है और ये लोग उस डिवाइस की मदद से वहां के टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करके उस सेंटर को उड़ा देते हैं, जिसके अंदर काम कर रहे सभी लोग मारे जाते हैं। अब जब ईरानी ऑफिसर्स वहां का जायजा लेने आते हैं, तभी कर्नल फरजाद कहता है कि मुझे ये काम अमेरिका या इसराइल का लगता है, क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों से जिस जर्नलिस्ट को मॉनिटर किया है उसके पास किसी CIA एजेंट ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के पेपर्स भेजे थे। ये सुनते ही फरजाद का सीनियर उस जर्नलिस्ट को पकड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद फरजाद लूना के घर अपने 2 आदमियों को भेजकर उसे वहां से उठवा लेता है। दूसरी तरफ टॉम अपना पासपोर्ट और पैसे लेकर दुबई एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वह ओलिवर से सभी सबूत मिटाने के लिए कहता है। अब कुछ समय का सफर तय करने के बाद टॉम दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करता है, लेकिन US जाने वाली फ्लाइट में अभी काफी समय था, इसीलिए वह अपनी बेटी के लिए एयरपोर्ट से शॉपिंग करने लगता है। तभी टॉम के दोस्त रोमन का मैसेज आता है जो दुबई में रहता है, और वह टॉम को भेजे गए पते पर आने के लिए कहता है। टॉम रोमन के भेजे गए पते पर पहुंच जाता है। रोमन कहता है कि तुम्हारी फ्लाइट में अभी वक्त है, तब तक मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह टॉम को एक मिशन पर जाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार टॉम किसी भी मिशन पर जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलने US जाना है। तभी रोमन टॉम को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और कहता है कि इतने पैसों में तुम अपनी बेटी को पढ़ाकर उसे डॉक्टर बना सकते हो। ये सुनकर टॉम थोड़ा इमोशनल हो जाता है और ये मिशन करने के लिए मान जाता है। अब रोमन उसे समझाता है कि जिस न्यूक्लियर प्लांट को तुम उड़ाकर आए हो, ईरानी उससे भी बड़ा एक और प्लांट तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस प्लांट को पूरा होने से पहले ही तबाह कर दो, लेकिन इस बार तुम्हें ईरान में एंटर करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते जाना होगा। टॉम कहता है कि ये रास्ता बेहद खतरनाक है क्योंकि यहां तालिबानियों की भरमार है। रोमन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक ऐसे आदमी का बंदोबस्त कर दिया है जो अफगानी भाषा बोलने के साथ साथ इलाके से भी अच्छी तरह वाकिफ है। अब टॉम प्राइवेट जेट से हैरात पहुंचकर मोहम्मद से मिलता है और अफगानी लिबास पहनकर सेफ हाउस की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में कैद जर्नलिस्ट लूना से मिलने कर्नल फरजाद आता है, जो उसे उसकी बेटी का फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन बता देती हो तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। लूना कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि वो फोटो मुझे एक CIA एजेंट ने भेजे थे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। वह फरजाद से चीख चीख कर कहती है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वहीं टॉम और मोहम्मद रात बिताने के लिए एक घर के अंदर रुकते हैं। तभी टॉम अपने बैग से सभी हथियार निकालकर टेबल पर रखता है। ये देखकर मोहम्मद का सर चकराने लगता है। वह टॉम से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो। टॉम कहता है
कि ये तो तुम्हें रोमन से पूछना चाहिए था जिसने तुम्हें मेरे साथ भेजा है। टॉम उसे बताता है कि हम एक मिशन पूरा करने के लिए ईरान जा रहे हैं जिसके लिए हम अगली सुबह निकलेंगे। दरअसल रोमन ने मोहम्मद को पूरी बात नहीं बताई थी, उसने सिर्फ इतना ही बताया था कि तुम्हें एक ट्रांसलेटर बनकर अफगानिस्तान जाना है और टॉम की मदद करनी है। अब अगली सुबह की टीवी न्यूज पर रोमन को पता चलता है कि उनका राज खुल चुका है। दरअसल ईरानियों को पता चल चुका था कि न्यूक्लियर प्लांट में हमला करवाने के पीछे अमेरिका का हाथ है। टीवी पर टॉम और ओलिवर की फोटो भी दिखाई जा रही थी जिसे देखकर रोमन घबरा जाता है और वह जल्दी से टॉम को फोन करके उसे ये मिशन अबॉर्ट करने के लिए कहता है और बताता है कि ओलिवर को मार दिया गया है, तुम किसी तरह वहां छुप जाओ, मैं तुम्हें वहां से निकालने की कोशिश करता हूं। अब ईरान और पाकिस्तान दोनों ही एजेंसीज को टॉम की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि वह हेरात में है। ईरान की तरफ से ऑफिसर फरजाद टॉम को पकड़ने के लिए हेरात पहुंच जाता है। वहीं पाकिस्तान अपने सबसे काबिल ऑफिसर काहिल को टॉम के पीछे भेजता है। पाकिस्तानी ऑफिसर अपने एजेंट काहिल से कहता है कि हमें टॉम को ईरान से पहले पकड़ना होगा ताकि हम लोग उसकी बोली लगाकर खुली बाजार में बेच सकें, हमें उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। वहीं रोमन अमेरिकन सरकार से टॉम को रेस्क्यू करने के लिए बात करता है लेकिन वो लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि अगर टॉम किसी तरह कांधार बेस कैंप तक पहुंच जाता है तो हम लोग उसे वहां से रेस्क्यू कर लेंगे। जिसके बाद टॉम उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जला देता है और मोहम्मद को लेकर कांधार की तरफ बढ़ने लगता है। अमेरिकन एजेंसीज भी ड्रोन की मदद से उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। तभी पाकिस्तानी एजेंट काहिल रसूल नाम के एक शख्स से कुछ आदमियों को तैयार रखने के लिए कहता है और वह खुद बाइक लेकर रेगिस्तान से होते हुए टॉम की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं टॉम कार बदलने के लिए मार्केट प्लेस पर जाता है और एसयूवी कार के बदले एक पुरानी कार वहां से चुरा लेता है। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ईरानियों की नजर से बच सकें। लेकिन फरजाद उन्हें देख लेता है और वह टॉम की कार का पीछा करने लगता है। तभी काहिल भी यहां पहुंच जाता है जो टॉम को फरजाद से पहले पकड़ना चाहता था, इसीलिए वह उसकी कार में बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देता है। तभी काहिल के कुछ तालिबानी साथी टॉम को सामने से ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह उनकी कार में टक्कर मारकर वहां से भाग जाता है। अब ये लोग फरजाद और काहिल की पहुंच से काफी दूर जा चुके थे लेकिन बेस कैंप पहुंचने से पहले ही उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। टॉम मोहम्मद से टायर चेंज करने के लिए कहता है और खुद गन लेकर वहां पहरा देने लगता है लेकिन मोहम्मद के तो मानो प्राण पखेरु उड़ गए थे। वह टॉम से पूछता है कि आखिर ये ईरानी गार्ड्स हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। टॉम कहता है कि ईरान के न्यूक्लियर वाला हादसा मैंने ही किया था। मोहम्मद कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम सड़क के रास्ते कांधार पहुंच पाएंगे क्योंकि तालिबानी हमें कहीं भी घेर कर मार देंगे। टॉम कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, यहां मेरा एक पुराना दोस्त है जिसके पास चॉपर है, वह हमारी मदद जरूर करेगा। अब इन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है। टॉम जानता था कि कार की लाइट जलाने पर तालिबानी उन्हें ढूंढ लेंगे, इसीलिए वह नाइट विजन वाले ग्लास पहनकर गाड़ी चला रहा था। लेकिन फरजाद उनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ता और वह चॉपर लेकर वहां आ जाता है और उनकी कार पर गोलियां चलाकर उसे खराब कर देता है। लेकिन ये लोग बचते बचाते पहाड़ियों के बीच जाकर छिप जाते हैं। अब टॉम को मारने के लिए दो सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं लेकिन टॉम उन्हें वहीं ढेर कर देता है। वह पहाड़ियों के पीछे छिपकर हेलीकॉप्टर को टारगेट करता है जो क्रैश होकर जमीन से टकरा जाता है जिसमें फरजाद समेत सभी क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। अब ये दोनों इसी जगह रात बिताते हैं और जब सुबह होती है तो टॉम को लेने उसके दोस्त रब्बानी के लोग आते हैं। ये लोग टॉम और मोहम्मद को इस्माइल रब्बानी के ठिकाने पर लेकर जाते हैं। यहाँ आने पर इस्माइल उन दोनों का स्वागत करता है। टॉम कहता है कि हमें कांधार पहुंचने के लिए तुम्हारे चॉपर की जरूरत है। इस्माइल बताता है कि मेरा चॉपर तालिबान के लोग एक मिशन पर लेकर गए हैं, अगर तुम कल आ गए होते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाता, अभी मैं तुम्हें अपना ट्रक ही दे सकता हूँ। दरअसल इस्माइल पैसों के बदले रसिया, अमेरिका, ISI, तालिबान उन सभी के लिए काम करता था। तभी मोहम्मद इस्माइल से कहता है कि तुमने जो हेरात में लोगों को मारा था उनमें मेरा बेटा भी शामिल था और इसीलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वह टॉम से कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग ही इन्हें बढ़ावा देते हैं और ये दरिंदे पैसों के बदले हजारों बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। टॉम जैसे तैसे करके मोहम्मद को समझाता है और ये दोनों एक ट्रक लेकर कांधार के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस्माइल जिसे
टॉम अपना दोस्त समझता था वह टॉम के साथ धोखा कर देता है और उनकी लोकेशन पाकिस्तानी एजेंट काहिल को भेज देता है, जिसके बाद काहिल अपने आईएसआई दोस्त रसूल को फोन करके टॉम और मोहम्मद को पकड़वा लेता है और ये लोग उन्हें बंदी बनाकर अपने बेस पर ले आते हैं जहाँ इन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। तभी रोमन अपने कुछ अफगानी साथियों के साथ टॉम को लेने यहाँ आ जाता है जो उनके बेस पर बड़े बड़े हथियारों से हमला करके वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है। रोमन रसूल को मार देता है और अंदर जाकर टॉम और मोहम्मद को छुड़ा लेता है और इससे पहले कि काहिल यहाँ पहुँचता ये लोग एक कार लेकर कांधार बेस कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ यूएस आर्मी का जहाज उनका वेट कर रहा है। अब काहिल उन्हें रोकने के लिए कार से उनका पीछा करता है। रोमन उसे रोकने के लिए गोलियां चलाता है लेकिन काहिल की एक गोली उसके पेट में आकर लगती है। टॉम रोमन से कहता है कि बस थोड़ी हिम्मत और रखो, हम बेस तक पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन रोमन कार से नीचे कूदकर काहिल को रोकने की कोशिश करता है। तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और काहिल उसे वहीं मार देता है। हालांकि गोलियां लगने से काहिल की कार भी खराब हो गई थी, जिसके बाद काहिल बाइक से उनका पीछा करने लगता है। अमेरिकन एजेंसी भी ड्रोन से पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थी। तभी वहां तालिबानियों की बहुत सारी कार आती हैं, जो उन्हें नॉर्थ और ईस्ट साइड से घेर लेते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और टॉम बेस से अभी भी काफी दूर था। काहिल अपने साथियों से कहता है कि किसी भी कीमत पर वे लोग बेस के अंदर एंटर नहीं होने चाहिए और तभी एक तालिबानी टॉम की कार को बॉम्ब से उड़ा देता है, जिसके बाद काहिल सभी तालिबानियों को रुकने के लिए कहता है और खुद बाइक लेकर टॉम को लेने पहुंच जाता है। लेकिन टॉम हार नहीं मानता और वह काहिल पर गोलियां चलाता है जो उसके नेक पर जाकर लगती है और काहिल नीचे गिर जाता है। ये देख सभी तालिबानी फिर से टॉम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब टॉम भी समझ गया था कि उनका मरना अब तय है, इसीलिए वह मोहम्मद से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल पाया। लेकिन तभी CIA डायरेक्टर सभी तालिबानियों को मारने का ऑर्डर देता है। उसका साथी कहता है कि सर हमारे पास इसकी परमिशन नहीं है। डायरेक्टर कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब मैं अपने किसी भी आदमी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद अमेरिकन ड्रोन सभी तालिबानियों की कार पर मिसाइल से हमला करके उन्हें मिट्टी में मिला देता है और जितने भी गिने चुने तालिबानी बचते हैं वे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर टॉम के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और अब ये दोनों वहां से बचकर बेस तक पहुंच जाते हैं जहां अमेरिकन प्लेन उनका इंतजार कर रहा था। वहां मौजूद आर्मी उन्हें प्लेन में बिठाकर सुरक्षित तरीके से देश वापस ले आती है जहां टॉम अपनी बेटी से मिलकर उसे अपने गले से लगा लेता है। मोहम्मद का परिवार भी उसे जिंदा देखकर काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ जर्नलिस्ट लूना जो ईरानियों की कैद में थी उसे भी आजाद कर दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी कांधार मूवी की जो जरूर आपको पसंद आई होगी। इस चैनल से जुड़ने और इतना सारा प्यार देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।